दोस्तों, जैसे कि आपको मोबाइल पे दिखाई दे रहा है कि स्टोरेज का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे बहुत से लोगों के मोबाइल में आ जाता है नोटिफिकेशन के ऊपर से कि स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट। ऐसे कंडीशंस में बहुत सारे लोगों के मोबाइल में हैंग मारने लग जाता है और फिर लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल को गाली देने लग जाते हैं कि ये मोबाइल ख़राब हो गया है। आज मैं आपको इससे छुटकारा पाने का तीन उपाय बताने वाला हूँ। तीन ऐसी सेटिंग है जो शायद ही आपको पता होगी। पहला सेटिंग तो चलो एवरेज रहेगा, लेकिन दूसरा और तीसरा सेटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो दूसरा तीसरा सेटिंग जरूर देखना और जो फर्स्ट सेटिंग है उससे भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है। और जितने लोगों भी इस वीडियो को क्लिक किया है इसका यही मतलब है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके से और भी न्यूज़ अपडेट और इसी तरीके से और भी मोबाइल फंक्शन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शुभम YT। चलो कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके मोबाइल का आज मैं सच्ची बता रहा हूँ 4 से 5 GB या फिर आप मिनिमम तो 2 GB आप जरूर खाली करके ही जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एवरेज है, जो पहला पॉइंट है, उसके लिए आपको मैं बोलना चाहता हूँ, पहला पॉइंट है आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप अपने मोबाइल के सेटिंग पे ओपन करते हो, ये जो मेरा मोबाइल है ये आप देख सकते हो Redmi 9 Prime है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस मोबाइल में अगर आपको स्टोरेज ओपन करने नहीं आ रहा है तो अबाउट फ़ोन का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको। फर्स्ट में अबाउट फ़ोन को टच कीजिए, यहाँ पर देख सकते हो आपको एक पॉइंट में स्टोरेज ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली से उस पर क्लिक करना है। अब अगर आपका इससे अदर्स मोबाइल है, रेडमी का कोई भी मोबाइल है, सैमसंग का कोई भी मोबाइल है, आपके पास कोई भी मोबाइल क्यों ना हो, सभी में आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलता ही है। आप स्टोरेज के ऑप्शन पर सिंपली से चले जाएं और ये उपाय बहुतों को पता भी होती है, चलो कोई नहीं, लेकिन अगले जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, केज्ड डेटा, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना। देखो, देख सकते हो यहाँ पास से केज्ड डेटा 1.10 GB यहाँ पास भरा हुआ है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ से 1 GB से ज़्यादा खाली करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये क्या चीज़ है कि अगर आप कोई प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो जितने भी अगर आप रन कर रहे हो या फिर आपने बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो अगर आपने उसे ख़त्म कर दिया, डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से, ठीक, उसके बाद भी मोबाइल आपके में रन होते रहते हैं या फिर ये कहे कि उसके जो भी डेटा है वो आपके मोबाइल पे ही स्टोर हो जाते हैं, अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हो। वैसे ये एक चीज़ सब ये चीज़ जो है केज्ड डेटा, ये कोई मतलब नहीं का है, आप इसे सिंपली से डिलीट कर दें। सिंपली से आपको ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर दें और देखना यहाँ पर से मेरा बहुत ज़्यादा खाली देखने को मिलेगा। ऊपर देखे जो 996 पॉइंट कुछ था, अब देखो 97.10 GB यहाँ पर से मेरे पास खाली दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा फीचर है, इसका यूज़ लगभग सभी लोग करते ही हैं। अब जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है, गौर से सुनिए, इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक प्ले स्टोर पर जाना है। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुतों को नहीं पता होती है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। मैंने खुद इसका यूज़ करके 4 से 5 GB अपने पुराने मोबाइल में जो भी स्टोरेज था उसको खाली किया है, क्योंकि पहले मेरे को इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता था। अब आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पर से आपको सिंपली से सर्च करना है गूगल फाइल्स, जो कि बहुतों को इसके बारे में नहीं पता होती है। यहाँ पर से देख सकते हो गूगल की तरफ से आपको क्लीन अप स्पेस ऑन योर फोन के लिए एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसे सिंपली से आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि उसका काफ़ी अच्छा, देख सकते हो 500 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं, 4.6 का रेटिंग है और 3 मिलियन इसके रिव्यू हैं, तो आप सोच ही सकते हो कितना पावरफुल एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको आपको ओपन करना है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पास से ओपन कर दिया है। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है, क्लीन पे, यहाँ पास से देख सकते हो मेरा अभी 1.50 MB दिखा रहा है क्लीन का, तो मैं सिंपली से यहाँ पास से क्लीन कर देता हूँ और ये सिंपली से क्लीन हो जाता है, क्योंकि मैं इसे डेली बेसिस पे इसका यूज़ करता हूँ तो कम है। अगर आप इसे पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पास से कई लोगों का 2 GB तक दिखाता है, कई लोगों का 5-5 GB तक यहाँ पर से क्लीन कर देता है। अब आपको करना क्या है, ये तो सिंपल से सेकंड था जो कि एप्लीकेशन डाउनलोड था। अब जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ब्राउज का एक ऑप्शन दिख रहा है बीच में,
आपको ब्राउज पे जाना है। इसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर से ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स एंड अदर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली से डॉक्यूमेंट्स एंड अदर पे टिक करना है। यहाँ पर से फ्रेंड्स काफ़ी फालतू चीज़ें आपके मोबाइल में भर जाती, देख सकते हैं लॉग केट का एक बहुत सारे फाइल्स हैं जो कि मोबाइल में भर जाते हैं। ये तो चलो मैं इसे रोज़ क्लीन करते रहता हूँ, तो अभी आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है। आपको सिंपली इसे क्लिक करना है और पूरे को एक बार में क्लिक कर लेना है, थोड़ा नीचे आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 1, 2, 3 यहाँ पास से 3 दिख रहा है, इसको आपको क्लिक ले लेना है। और इसी तरीके से आपको जितने भी दिख रहे हैं आपको सिंपली से उसे ले लेना है। इसके बाद से अब आपको करना है कि उसे डिलीट करना है, ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, आपको सिंपली से इसे डिलीट कर देना है। ये फालतू चीज़ें हैं, ये फालतू के जो कैच डेटा होते हैं वो आके भर जाते हैं। इसे सिंपली से करना, मैंने यहाँ से भी 2 GB तक खाली कर दिया है अपने पुराने मोबाइल में, एक बार ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो फिर बोलना आप। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इससे कितना ज़्यादा MB खाली किया है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी सुन लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से आपको ऐप्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऐप्स पे जाना है। और ऐप्स पे आने के बाद आपको कई सारे आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होंगे यहाँ पर से शो हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे सीट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, सीट पे जाना है। आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन होंगे आपको इसी तरीके से पूरे को ओपन करना है। क्लियर डेटा है एंड क्लियर कैचे है, सबसे पहले क्लियर कैचे कर लेते हैं। इसके बाद सीट का यूज उतना होता नहीं है, आप इसे फिर से कर सकते हो, तो क्लियर डेटा कर लीजिए। देखो यहाँ पर से खाली हो गया। अब इसी तरीके से आप बहुत सारे चीज़ों को खाली कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर से मैं किसी भी और एप्लीकेशन को ओपन कर, तो उसे इंस्टाग्राम को ओपन कर रहा हूँ। क्लियर कैचा कर लेते हैं इसको। ये देखो यहाँ पर से फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से आपके पास जो भी स्टोरेज है वहाँ से खाली हो रहा है। और आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आपको साइड में स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम, आप जाके मुझे फॉलो कर लेना। आपकी जो भी डाउट रहेंगे मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा। इसी तरीके से जितने भी एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं क्लियर कैचा कर सकते हैं। और ऐसे गूगल प्ले मूवीज वूवीज उतना खास रहता नहीं है, तो क्लियर डेटा आप कर लीजिए। यहाँ पर से मैं इसे भी क्लियर कैचा और इसके बाद क्लियर डेटा सब कुछ कर लेते हैं, ताकि बहुत सारे जो भी आपके स्टोरेज रहेगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर से खाली हो जाएगा। यहाँ पर से कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन है, इसका भी मैं क्लियर कैचे कर लेते हैं। क्लियर डेटा भी कर सकते हैं क्योंकि उसका उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। यहाँ पास एक एप्लीकेशन है, इसका भी क्लियर कैचे कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे जो भी आपके मोबाइल में होंगे, आप इसका क्लियर कैचे क्लियर डेटा कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इस एप्लीकेशन से आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ज़रूर फ़ायदा होगा, 100% लिख के दे रहा हूँ आपको, इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे भी फ़ायदा हुआ। अभी देखो आपके सामने मैंने कितना ज़्यादा स्टोरेज खाली किया है। तो इसी तरीके से और भी अपडेट न्यूज़ देखने के लिए और साथ में मोबाइल फंक्शंस एप्लीकेशन जानने के लिए और इसी तरीके से मोबाइल फीचर्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी तक क्या कर रहे हो, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।